दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब भारत भी कोरोना वैक्सीन बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है और अच्छी खबर ये है कि इसमें से एक वैक्सीन इस हफ्ते तीसरे स्टेज के ट्रायल में पहुंच जाएगी। भारत की प्रमुख दवाई कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन के तीसरे स्टेज का ट्रायल शनिवार से शुरू होने जा रहा है। इस दवाई का अगर ट्रायल सफल रहता है तो ये कोरोना वैक्सीन पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसमें सफलता मिलने के बाद वैक्सीन सीधे आम लोगों तक पहुंच जाएगी। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट शनिवार को भारत के 17 जगहों पर वैक्सीन का परीक्षण शुरू करेगा। ये ट्रायल 18 साल और 18 साल से ऊपर के लोगों पर किया जाएगा। इन लोगों को लिखित में देना होगा। ये ट्रायल के दौरान स्टडी जगह से बाहर नहीं जाएंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे। स्वस्थ लोगों को ही इस ट्रायल में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना से ठीक हो चुके मरीज और प्रेग्नेंट महिलाओं को ट्रायल में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ जान लें कि ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रही है। ये वही वैक्सीन है जिसने कोरोना वायरस के प्रति दोहरा मार करने की सफलता हासिल की थी। कंपनी के प्रमुख अदार पुनावाला ने कहा है कि ट्रायल सफल होने की स्थिति में हम भारत में 50 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ हर साल दूसरी वैक्सीन की 1.5 अरब डोज बनाई जाती है जो गरीब देशों में भेजी जाती है। दुनिया के करीब आधे बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन ही लगाई जाती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट।